पिछले 6 वर्षों में यहाँ पर जो भी स्थानीय साधन संसाधन उपलब्ध है उन पर गैंग्स और गुजरात लगातार लूटमारी कर रहा है और हमारे हक और अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। सरकार का जो ये उदासीन रवैया है और जो अपेक्षा कर रही है स्थानीय नौजवानों की, उसके कारण ही यहाँ का युवा नौजवान आज ठेला खोमचा लगा करके पकौड़े तलने को मजबूर हो रहा है, सिगरेट और बीड़ी पीने को मजबूर हो रहा है। अपने तेज दर्रार भाषण से अक्सर भरे सदन में बीजेपी को निशाने पर लेने वाली महिला विधायक पल्लवी पटेल है। पल्लवी पटेल सिरातू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर सदन पहुंची हैं। उन्होंने सीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में मात दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी में भी पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था। अब अचानक इस पूरे वाक्य का जिक्र फिर से क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए विधानसभा से आई एक तस्वीर पर आपको गौर फरमाना होगा। यूपी के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आई इस तस्वीर की चर्चा विधानसभा के गलियारों से निकलकर अब यूपी की गली गली में होने लगी है। तो पहले ये तस्वीर देख लेते हैं, फिर इस तस्वीर पर होने वाली बातों को भी सुन लिया जाएगा। ये फोटो सपा विधायक पल्लवी पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। इस फोटो के कैप्शन में पल्लवी पटेल ने लिखा, सत्र का तीसरा दिन। पहली नजर में तस्वीर सामान्य लग रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। इस तस्वीर में पल्लवी पटेल के पीछे विधानसभा के गलियारे में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। वही केशव प्रसाद मौर्य जिन्हें पल्लवी पटेल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 7,337 वोटों से हरा दिया था। आज पल्लवी पटेल ने भले एक साधारण कैप्शन के साथ इस तस्वीर को शेयर किया है, लेकिन इस तस्वीर के जरिए पल्लवी बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसीलिए जैसे ही पल्लवी ने आज ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, लोग इस तस्वीर पर अलग अलग तरह के खूब कमेंट करने लगे। प्रतीक यादव नाम के यूजर ने लिखा, मैम कितनी शानदार फोटो चुनी आपने पोस्ट करने के लिए, ये एक फोटो हजारों शब्दों के बराबर है। समर्थ सिंह नाम के यूजर ने लिखा, चुनाव में भी पीछे यहाँ भी पीछे। अभिषेक नाम के एक यूजर ने लिखा, यहाँ भी उप मुख्यमंत्री से आप आगे चल रही हैं। वहीं कन्हैया लाल नाम के एक यूजर ने लिखा, यहाँ भी डिप्टी सीएम से आगे चल रही हैं आप, कैमरामैन ने शानदार फोटो क्लिक की है। अब आपको ये भी बता दें कि 2022 के चुनाव में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मात देने वाली पल्लवी पटेल कौन है। पल्लवी पटेल ओबीसी नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है। सोनेलाल के निधन के बाद ये पार्टी दो धड़ों में बट गई। अपना दल सोनेलाल की कमान अनुप्रिया पटेल के पास है, तो अपना दल कमेरावादी की कमान पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के पास है। 2022 का चुनाव अनुप्रिया भाजपा के साथ तो पल्लवी पटेल ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था। अब पल्लवी पटेल की आज की वायरल तस्वीर देखकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पल्लवी पटेल केशव मौर्य से आगे चल रही हैं, चुनाव के 1.5 साल बाद भी।